दोस्तों, सुजलोन एनर्जी की बात के स्टॉक के अंदर आज भी लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी थोड़ी सी गिरावट थी, उसका असर भी देखने को मिला। दूसरी तरफ डीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है सुजलोन के अंदर। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन सकती है, एफआईडीआई का डाटा हमारे सामने आ चुका है, जिसमें समझने की कोशिश करेंगे क्या बाजार की रणनीति रह सकती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलोन के लिए। सुजलोन के स्टॉक की प्राइस भले ही इस समय काफ़ी कम हो, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इसको अगर आप अच्छे से समझना, ये वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आ गया कि वाकई में सुजलोन में वो पोटेंशियल है कि ये स्टॉक की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और कुछ जो बड़ी डील हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कब सुजलोन में तेजी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे सुजलोन की तरफ से यहाँ पे जो इन्होंने अपने राइट इशू के माध्यम से शेयर जारी किए थे, उसके लिए फाइनल नोटिस दिया है। अब ये नोटिस में क्या है पूरा मामला, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, क्या सुजलोन आने वाले समय मल्टीबैगर बनेगा या फिर हमारे निवेश को डुबा देगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात है तो आज बीएससी सेंसेक्स 61,761 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, यानी 0.0047% की गिरावट, यानी एक तरह से इसको फ्लैट कह सकते हैं अपन। और आप समझ ही सकते हो कि कल की काफ़ी अच्छी तेजी के बाद आज बाजार ने थोड़ा सा रेस्ट किया है और इस हिसाब से यहाँ पे बाजार में तेजी बन नहीं पाई, लेकिन कोई गिरावट भी बड़ी नहीं बनी है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में थोड़ी सी गिरावट थी, 24,099 के स्तर पे 0.13% की गिरावट थी, और ये भी गिरावट मामूली थी, लेकिन सुजलोन में गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। आप देख सकते स्टॉक की शुरुआत 8.60 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव, कल की क्लोजिंग 8.55 के आसपास थी। इंट्राडे में 8.30 का लो बना, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया, लेकिन जो हाई है वो 8.80 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको पॉजिटिव जोन में जाता हुआ दिखाई देगा खरीदारी के दम पे, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक नीचे आया। 8.35 पर इसने क्लोजिंग दिए 2.34% की गिरावट के साथ में। सुजलोन के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो 5 ईयर के हिसाब से इसने 1.7% का अभी भी निगेटिव रिटर्न दिया है। जिसने जैसे लगभग 5 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इस समय इसको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 54% का जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है इस समय स्टॉक के अंदर। 1 ईयर के हिसाब से वापस स्टॉक के अंदर 4% की गिरावट है, यानी साल भर के पहले निवेश किया होगा उसको भी थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है इस समय। 6 मंथ के हिसाब से वापस 3.64% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से वापस 5% स्टॉक डाउन हुआ है। 1 मंथ के हिसाब से इसमें 6.21% की फाइट से आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन और 1 वीक के हिसाब से 5% की तेजी है, लेकिन 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की गिरावट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जिसका निवेश 5 साल या 1 ईयर के हिसाब से उसको इस समय लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आज एफआईडीआई की बात करें तो आज डीआई और एफआई दोनों ही बाजार में खरीदार थे। भले ही बाजार में तेजी नहीं बनी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों की तरफ से पॉजिटिव खरीदारी हुई है। डीआई ने काफ़ी कम की, आप देख सकते हो उनकी खरीदारी करीब 407 करोड़ रुपीज़ के आसपास की थी पॉजिटिव, यानी उन्होंने टोटल जो खरीदारी की वो 7,148 करोड़ रुपीज़ की थी। एफआई की बात करें तो एफआई ने आज 9,375 करोड़ रुपीज़ की शानदार खरीदारी की। उनका जो पॉजिटिव आंकड़ा है वो 1,940 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है, यानी एफआई बाजार में अब भी जम के खरीदारी करे और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छा शुभ संकेत है, यानी बाजार में पॉजिटिव माहौल फिर बन सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कंपनी ने राइट इशू शेयर जारी किए थे और राइट इशू शेयर में उन्होंने 50% जो भी अमाउंट है पहले ले ली थी और 50% यानी 2.50 रुपीज़ पर शेयर आपको बाद में चुकाना था। उसके लिए जो समय भी निकल चुका था, काफ़ी लोगों का पैसा बकाया था, तो इसके लिए कंपनी ने 13 अप्रैल 2023 को एक आप देख फर्स्ट रिमाइंडर कॉल भी भेजा था और उसके बाद में जो समय दिया था वो समय भी निकल चुका है। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे 8 मई यानी कल बोर्ड मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अब जो भी पेमेंट है वो आ चुका है और इसके लिए अब शेयर अलॉट किए जाएंगे पूरी तरह से, यानी आपको मेन आपके अकाउंट में शेयर मिल जाएंगे और इसके लिए अब जल्द ही वो डेट भी डिक्लेयर कर दीजिएगा जब कंपनी अपने शेयर आपको पूरी तरह से दे देगी। तो कुल मिला के देख सकते हो इसके लिए 8 मई को कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई और इस बोर्ड मीटिंग में फैसला हो चुका है कि जो भी आपके जो शेयर है उनका कन्वर्जन किया जाए, तो आपको ये शेयर पूरी तरह से आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। और जिसने भी पैसे अगर नहीं भरे तो उनको भर लेना चाहिए, वैसे भी तो आप देखें तो वो टाइम निकल चुका है। अब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि समय दिया गया था, उसके बाद में पेनल्टी के साथ में भी समय दिया था, अब वो समय भी निकल चुका है और अब कंपनी की तरफ से यहाँ पे जल्द ही आपको वो शेयर सारे जारी कर दिए जाएंगे।
अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि विंड टर्बाइन बहुत सारे पुराने हो चुके जिनको अब जिनकी ब्लेड को रिसल साइकिल करना है, यानी वो बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिनको रिसाइकिल करना जरूरी है, क्योंकि अब विंड टर्बाइन काफ़ी पुराने हो गए, उससे उतनी बिजली का निर्माण भी नहीं हो पा रहा हो और वो आउटडेटेड हो चुके, जबकि इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस विंड टर्बाइन आ रहे। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो टास्क है कि किस तरह से वो विंड टर्बाइन की जो ब्लेड है उनको रिसाइकल किया जाए, क्योंकि वो मेटल इतना हैवी है कि उसको ऐसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल करके उस केमिकल के माध्यम से उसको रिसाइकल किया जाएगा और उसे एक नया मटेरियल मिलेगा जिसको फिर से यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आप देखें तो इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि बहुत सारी विंड टर्बाइन अब ओल्ड हो चुकी है और उनको सबको डिसमेंटल करना है। तो यहाँ पर समझ सकते हो इसके लिए अब कमर कस ली गई है और आने वाले समय एक तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से यहाँ पे सुजलॉन के लिए निकल के आ रही है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी इस सेक्टर की लीडर है और उनके पास वो सारा एक्सपीरियंस है, वो डिसमेंटल कर सकते हैं और उसके बाद में उसको जो भी ब्लेड है उसको रिसाइकलिंग करने का प्रोसेस भी पूरा करके उससे जो नया मटेरियल फिर से तैयार किया जा सकता है और उससे आने वाले समय एक मजबूत ब्लेड फिर से निर्माण भी की जा सकती है। जैसे कि सरकार ने भी यहाँ पे ठान लिया है कि जो भी पुराने जो विंड फार्म्स है वो सारे के सारे डिसमेंटल किए जाए और उसकी जगह पे नए विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए जाए। इसके पीछे वजह यह है कि वहाँ से एक तो उनकी साइज़ बड़ी है लेकिन उनसे बिजली बहुत कम निर्माण होती है। अब इस समय अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कंप्यूटर से लेस जो बहुत ही कम जगह में अच्छे विंड टर्बाइन इंस्टॉल हो रहे और उससे बहुत ज़्यादा बिजली भी बन रही है। तो नेशनल रिपावरिंग पॉलिसी जो बनाई गई विंड एनर्जी सेक्टर के लिए 2022, जिसके तहत आने वाले समय में फिर से रिप्लेस किए जाएंगे उन ओल्ड टर्बाइन को विंड टर्बाइन नए से, और इसके लिए सुजलॉन के लिए काफ़ी बड़ा एक मौका निकल कर आया। ये जो रिप्लेसिंग का जो काम है करीब 5000 मेगावाट यानी करीब 5 गीगावाट के आउटडेटेड जो विंड टर्बाइन है वो सारे के सारे रिप्लेस किए जाएंगे और ऐसे में सुजलॉन को इसका पुराना अनुभव काम आएगा और ऐसे में उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो ये गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और 8 के मजबूत सपोर्ट के साथ स्टॉक में इस समय दाव लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ी डील हो गई है और इन डील के माध्यम से देखें तो सुबह सुबह खरीदारी भी अच्छी हुई है। आप देखो 9:18 पर 8.70 की प्राइस से 11,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई, फिर 9:19 पर 8.70 की प्राइस से 14,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई, तो फिर 9:19 पर 8.75 की प्राइस से 14,56,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई, फिर 10:48 पर 8.65 की प्राइस से यहाँ पे करीब 35,00,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई, फिर 10:51 पर 8.60 की प्राइस से 24,00,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई, फिर 10:51 पर उसी समय 8.60 की प्राइस से ही 22,00,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई, फिर 10:51 पर ही 8.65 की प्राइस से 18,56,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 12:43 पर 8.60 की प्राइस से 29,00,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई, फिर 1:33 पर 8.55 की प्राइस से 28,00,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई, फिर उसके बाद 1:54 पर 8.50 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 37,00,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, फिर 3:09 पर 8.40 की प्राइस से 28,32,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। एक भी डील नहीं है जो बिकवाली की है, इसका मतलब ये हुआ है कि इस लेवल पे बड़े फंड हाउस ने आज बिल्कुल भी बिकवाली नहीं की है। प्राइस जो कम हुई है उसके पीछे है रिटेल इन्वेस्टर जवाबदार, जितनी भी बड़ी डील है वो सारी की सारी खरीदारी है। इसका मतलब गिरावट का फायदा उठा के बड़े फंड हाउस खरीदारी करें और रिटेल इन्वेस्टर इस समय डर के अपना माल बेच रहे, और यही पे आने वाले समय हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी समझ में आएगा कि रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि इस समय ये खरीदारी का मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन में निवेश करते तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि वाकई में ये सेक्टर का लीडर है और जो सरकार ने अपना बड़ा सपना सोचा है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है, जिसमें विंड एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा योगदान होने वाला है और ये विंड एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी, इनके पास बहुत सारा अनुभव है और वैसे भी जो नए सेक्टर में आ रहे हैं वो सारे के सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं सुजलॉन के साथ में ताकि उनको लाइफ टाइम सर्विस दे पाए। तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है और जैसे कि अब रिजल्ट की संभावना बन रही है, 4th quarter जल्दी हमारे सामने आ सकता है। अभी फिलहाल कंपनी ने डेट डिक्लेयर नहीं की है लेकिन इसकी डेट हमें लग रहा है अंदाजे के हिसाब से कि वो 20 से 25 मई के बीच में अंदाजे के हिसाब से डेट आ सकती है, जल्दी ही सुजलॉन इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। इसी मई महीने में रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो रिजल्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।